अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इंडियन किचन। आज हम मेथी दाल बनाएंगे, जो बहुत आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है, बहुत कम मसालों के साथ बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मैंने 1 कप दाल लिए, उड़द की दालें, छिलके वाली, जिसे काली दाल भी बोलते हैं। 100 ग्राम मेथी लिए, इसे मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है। अगर आप 200 ग्राम दाल ले रहे हैं तो 100 ग्राम मेथी लेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा होगा, ज़्यादा डालेंगे तो कड़वापन हो जाएगा। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टमाटर है, 1 प्याज, 3 हरी मिर्ची है, ये हमारे कुछ ड्राई मसाले हैं, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच से कुछ ज़्यादा नमक है, हींग। बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसमें डालेंगे पहले हींग, प्याज भी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा चलाएंगे। मिर्ची भी डाल देते हैं कट करके। प्याज और मिर्ची को फ्राई कर लेंगे, पिंक कलर हो जाएगा प्याज का, तो हम इसमें जो हमारे टमाटर और मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे, डार्क कलर करने से टेस्ट चेंज हो जाता है। चलाते हुए फ्राई कर लेते हैं। तो हमारे प्याज फ्राई हो गई, हमने टमाटर ऐड कर दिए, जो हमारे सूखे मसाले हैं वो भी ऐड कर देते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम ऐड कर देंगे। आप पहले भी कर सकते हैं, टमाटर डालने से पहले आप पहले लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें, थोड़ा सा भून के फिर टमाटर और मसाले कर दें। मैं सब कुछ एक साथ ही कर रही हूँ, ऐसे भी जल्दी हो जाता है और अच्छे से भी भुन जाता है। हम पानी ऐड करेंगे और अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे, ऐसे हम 2-3 बार पानी ऐड करते रहेंगे, अब भून लेंगे, इससे अच्छे से भुन जाता है, मसाला कच्चा नहीं रहता और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, इसमें हम दाल ऐड कर देते हैं। दाल को और मसाले को हम 1 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से चलाते हुए। जिससे दाल के अंदर मसाले का टेस्ट आ जाएगा अच्छा सा। देखिए हमने दाल और मसाले को अच्छे से भून लिया है, मेथी ऐड कर देते हैं और साथ में हम पानी भी ऐड कर देंगे। हमारी 1 कप दाल थी तो हम 1.5 कप पानी ऐड करेंगे, 1 कप और आधा कप। अगर हम कटोरी से नाप रहे हैं तो 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे और आधी कटोरी, किसी भी चीज़ से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें एक बॉईल आने देते हैं, बॉयल आने लगा है, हम इसे ढक देते हैं। इसमें हम 1 सीटी लगाएंगे, इसका प्रेशर नहीं निकालेंगे, खुद से रिलीज होने देंगे। अगर आप 2 सीटी लगाएंगे तो फिर इसका प्रेशर निकालना पड़ेगा और साथ के साथ खोलना पड़ेगा ढक्कन को, ये ज़्यादा गल जाएगी। 1 सीटी लग गई है, हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, खुद से इसकी गैस रिलीज होने देंगे। खोल लेते हैं, चेक करते हैं हमारी दाल गली है या नहीं। ये कितनी अच्छी दाल बनी है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से गल गई है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत जल्दी भी बन जाती है। हम इसमें तड़का लगाएंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, इसमें डालेंगे लहसुन की कलियाँ, मैंने 4-5 लहसुन की कलियाँ लेके उन्हें कट कर लिया था, करी पत्ता और 3 सूखी लाल मिर्चें और 1 चम्मच जीरा। जब सब चीज़ें फ्राई हो जाएगी तो हम इसे तड़का लगाएंगे दाल में।
इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। देखिए हमारी सब चीज़ें फ्राई हो गई है, दाल में ऐड कर देते हैं। डिश आउट कर लेते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और फैमिली के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अल्लाह हाफिज़।